हाँ जी हाँ जी आप सबको दोस्तों नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आप सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। आबाद रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। संगीत के कई तरह के रंग हैं, एंटरटेनमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है, सोशल सेवा, सामाजिक सेवा का भी रंग है इसमें, और मुझे वो भी बहुत पसंद है। जैसे मैं स्पोर्ट्स के लिए गाने का भी गाता हूँ, मोटिवेट सॉन्ग भी गाता हूँ, हर तरह का डांसिंग भी है, रोमांटिक भी है, तो ये भी मुझे लगता कि मेरा फर्ज है ह्यूमैनिटी के तौर पर, और अपने देश के हर नागरिक की खुशहाली के लिए हम किसी एक वर्ग को जिम्मेदार ना ठहराएं कि ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सब की, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और मैं संगीत के जरिए वो सेवा करता रहता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सब खुश रहें, आबाद रहें। स्पेशली ये गाना जो इस वक्त जो शूट किया जा रहा है, समीर हमारे जो डायरेक्टर हैं, ये बच्चों के साथ में कश्मीर की खुशहाली, अपने देश की खुशहाली, हर पूरे देश की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए गा रहा हूँ। सर, जो टैलेंट हंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कैसे चुन रहे हैं आप लोग। सर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट या फिर कितना मुश्किल होने वाला है, कितना चैलेंजिंग होने वाला है? ये जिसे ये टैलेंट हंट नाम दिया, टैलेंट हंट ना कह के, टैलेंट हंट ना कह के इसे टैलेंट कंटेस्ट कह सकते हैं। हंट तो फिर शिकार हो जाएगा, है ना? शिकार करने थोड़ी जा रहे हैं हम, तो दुआ करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वहां का हर शख्स जो है उसका हक, वो हकदार है, जिंदगी के हर रंग से वो वाबस्ता रहे। तो ये टैलेंट कंटेस्ट है, लेकिन इस कंटेस्ट के अंदर जो कस्तूरी है, जो इसका राज है, वो सिर्फ दुआ है, वो प्रार्थना है। क्योंकि प्रार्थना में, बचपन में हमने सुना है कि प्रार्थना में ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु होता है, वो सुनता है, वो भी बच्चों की। तो मैं भी उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, और हमारे साथ छोटे छोटे टाइनी से क्यूट से बच्चे हैं, सब मिलके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर शख्स, हर धर्म जाति के शख्स के लिए, कि ताकि वो खुश रहें। और ये टैलेंट जो शिकार, नहीं शिकार नहीं भाई, शिकारा है, हाँ ये शिकारा है, आराम दे मतलब कंटेस्ट है, इसको एक इंटरटेनिंग रंग भी दिया गया है, लेकिन इसमें वैसा मुकाबला नहीं है कि जो कुछ भी करके, कहीं भी कुछ भी करके जीतने की कोशिश की जाए। ये वहाँ की सरजमीन जम्मू कश्मीर, और बल्कि हमारे देश के सभी हिस्सों के लिए वो दुआ है, तंदुरुस्ती की, आबादी की, खुशहाली, क्योंकि हर किसी का हक बनता है, हर मेहनत कश का फर्ज बनता है कि वो खुश रहे, आबाद रहे। इस गाने में एक अलग ही जुनूनियत है, प्रेयर तो है ही, और सभी धर्मों के लोगों के लिए, खासकर टैलेंट्स जो है, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यूथ, द कमिंग जनरेशन। ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी टू वर्क विद, ही इज सो फ्रेंडली, सो कोऑपरेटिव, एंड ही अंडरस्टैंड्स द फीलिंग्स ऑफ एवरी पर्सन, वो इक्वली ट्रीट करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो कश्मीर के यूथ है वो बाहर निकले, अपने टैलेंट को बाहर दिखाएं, उनको पूरा हक है। इसलिए ये जो मौसीकी टैलेंट कॉन्टेस्ट है, हम सारे कश्मीर के यूथ को बाहर बुलाना चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सबको बुलाना चाह रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। जैसे दिलशाद शेख, अक्षय अस्थाना, सुखविंदर जी, हम सब मिल करके कदम उठाए हैं, और भी लोगों का सपोर्ट है। बहुत जल्द हम उन उभरते कलाकारों को ढूंढ के निकालेंगे और उनको सही मकाम पे एक सही अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, और सुखविंदर जी उनके लिए बहुत बड़ा बैकबोन होगा। सारे बैकबोन हैं। दुआ जो होती है, किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता है,
दुआ जो है हमें ईश्वर अल्लाह परमात्मा वाहेगुरु से करनी है, और सबके दिल से दुआ निकले, और जहाँ कहीं भी दिक्कत, यहाँ कहीं भी गम का साया है, उसे ख़त्म करने की कोशिश हम सब की है। हम कभी कभी कहते हैं इसकी सारा कुछ सरकार का फर्ज बनता है, सरकार भी अपना काम कर रही है, हर लेकिन हर शख्स जो है, हर पर्सन जो है, जो नागरिक एज ए ह्यूमन बींग, हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे थोड़ा करें आप उसे, हमें उसको तोलना नहीं है कि हम कितना थोड़ा कर रहे हैं, हमें ये देखना कि कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये हम सबकी ख्वाहिश है कि वहाँ संगीत की भी बात, लेकिन संगीत के साथ में सबसे बड़ा मेरा जो मोटिव है वो है कि मैं वहाँ जाके दुआ करूँ सबके लिए, बच्चों के साथ। मैं जानता हूं कि अगर अग्रेसिव जाएंगे और अगर मोटिव धन कमाने का जरिया हो जाएगा तो वो बहुत श्रापित, वो बहुत ही पाप होगा। मुझे मालूम है इस तरह की एक्टिविटीज में पैसा खर्च होता है, लेकिन लूटपाट ना मचे। यहां से भी आने दो, वहां से भी आने दो, कश्मीर के नाम से, जम्मू कश्मीर के नाम से लूटपाट ना मचे। हम जो भी है, अब हमारा पहला और आखिरी मकसद सिर्फ शिद्दत, मोहब्बत, इखलाक और वहां की खुशहाली के लिए दुआ, प्रार्थना। ये चाहे मैं जज्बाती होकर कह रहा हूं, चाहे इसे मैं हल्के जुबान से भी कहूं, लेकिन दोनों में मेरा मकसद यही होगा कि जो मैंने कहा ये हकीकत है, कसमें मुझसे खाई नहीं जाती, क्योंकि सच से बड़ी कसम कोई नहीं। तो वो हकीकत यही है कि इस तरह की एक्टिविटीज अग्रेसिवली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के जख्म जो है बड़े हरे हैं, और जो हरा होना चाहिए वो सूखी हुई है वहां की हरियाली। तो वो आपको हर बार बारे में इत्तला होनी चाहिए। आप कुछ भी ऊंची ऊंची आवाजों में चिल्ला के गा के कुछ मुझे सुनो, मैं हूं, मी एंड माई एंड माई सेल्फ ना, वहां होंगे तो प्रार्थनाएं, दुआएं सबके लिए। उस दौरान संगीत के जरिए कितनी सेवा करनी चाहिए, उससे आगे आप अग्रेसिव ना हो तो बेहतर होगा तरीके से, ताकि वहां के माहौल में इतना कुछ है, वहां की वादियां इतनी तकलीफ के बावजूद भी अपने वक्त पे वहां बर्फ बहती है, वहां दरिया बहते हैं। कुछ साल पहले तक ही वहां पर बाढ़ की जो तूफान आया उसकी तकलीफ, तो तब हम धर्म जाति नहीं सोच सकते, तब हमारा इंसानियत जागता है कि नहीं सेवा करनी चाहिए। यहां सेवा की, परसों फिर मैं कहीं नाच लूंगा, फिर वहीं कहीं गा लूंगा, फिर मेरी मैनेजमेंट वहां पर पैसे की बात रख लेगी, फिर हम अपने खाने पीने का गुजारा कर लेंगे। लेकिन ऐसी जगहों पर हम लोग क्या डिमांड करें, यहां डिमांड नहीं, हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि खुशहाली दे, बस ये मकसद है। उसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी हो सकता आगे बढ़ाएं। नहीं, हम देखो पहली बात तो नए साल में आज सबसे पहले अच्छा काम हुआ कि मैं शूटिंग पे टाइम पे आया, ये गजब हो गया। ये गुड न्यूज है वर्ल्ड वाइड। नहीं, मैं लेट कभी नहीं होता था, मैं टाइम पे, मैं सुबह ही आ गया था, ये आया नहीं था, तो फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं 11 बजे आया। तो ये जो शिद्दत जिनमें होती है वो तसव्वुर तो करते ही रहते हैं 24 घंटे, उनके सपने भी अलग होते हैं, उनकी दुनिया भी दो तरह की होती है ब्रदर।
एक तो हम जो लोगों को दिखाई देते हैं और एक वो दुनिया जिसे हम देखते हैं, उनके सपने भी अलग होते हैं, वो कुछ ना कुछ डिजाइन, समीर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। जब यहाँ पर शूटिंग पे पहुंचे होंगे, जब ये दरवाजे को क्रॉस किए होंगे, तब भी क्या नया किया जा सकता है। कहाँ से मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर से रابطہ रखता हूँ, उनके साथ में इंटरेक्शन रखता हूँ। उनको कोई सुखविंदर सिंह कुछ नहीं, मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं हूँ सुखविंदर सिंह और आप मुझे इस चैनल पे सुन रहे हो। मैं तो, मेरा नाम ही नहीं, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, मैं नहीं हूँ। तो मैं उनसे रابطہ रखता हूँ, उनसे रखता हूँ, और अपग्रेड करने में मुझे मजा आता है, क्योंकि जिसके अंदर घमंड नहीं है वो सीखता जल्दी है। आज भी बहुत कम उम्र के जो हैं टैलेंट, मुझे जब उनमें कोई कमाल की शिद्दत दिखाई देती है, मैं उनसे टाइम लेके उनके पास जाता हूँ। कुछ नया है उनके पास। हम जीनियस होने के नाते अपना वर्तमान खो देते हैं, प्रेजेंट टाइम खो, पास्ट में चल जाके कवर हो जाते हैं। तो मैं नया करता रहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी लोग होंगे और मेरे से पहले कोई बेहतर होंगे जिनसे मैंने ये सब सीखा, कुछ नया करेंगे। तो अगर हम ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर की खुशहाली की भी बात कर रहे हैं, उसको भी हम लोग बड़ी सादगी से, सादा गाना, ये गाना लिखने का भी मुझे मौका मिला, क्योंकि हम भी काफ़ी अरसे से वो तकलीफ़ को महसूस करें। तो नए साल में, एक तो मैंने आपको बताया टाइम पे आया शूटिंग पे, स्टूडियो में भी, और अभी 2020 हाँ में जो तकलीफ भी हुई है, सबक भी मिले हैं, पर अभी काम पे हमको सिंसेरिटी से, जज्बात से, हौसले से आ जाना चाहिए, और सरकारें भी हमें कोऑपरेट कर रही हैं पूरा। मुंबई में अब मैं अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। जो गाना और ये जो प्रेयर है, ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए। इसमें इतनी मोहब्बत, इतनी मिठास और इतनी शिद्दत वाली दुआ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि सुखिंदर बाजी दो लाइन सुना दें आप लोगों। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियां तू भर दे। सत श्री अकाल, सब खुश है, आबाद रहे। Thank you. जम्मू कश्मीर की खुशहाली, तो ये बच्चे मेरे साथ में वहाँ परफॉर्म करेंगे, मैं इनके साथ में परफॉर्म करूँगा, इनके साथ प्रार्थना करूँगा।
सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, 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 कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियां तू भर दे, कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियां तू भर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। जय हिंद।